स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नागदा को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए नगरपालिका ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। नगरपालिका सीएमओ ने अधीनस्थों को रोज सुबह 2 घंटे वार्ड में रहने का फरमान जारी किया है। शहर के 36 वार्डों में नगरपालिका के 56 अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर निराकरण की कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के 79वें नंबर से बढ़कर 2018 में नागदा नगर पालिका को 18वां स्थान लगा था। ऐसे में इस बार और बेहतर रैंकिंग के लिए नगर पालिका ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीएमओ सतीश मठसेनिया ने कहा कि कर्मचारी 2 घंटे ऑफिस लेट आएं या फिर लंच टाइम में 2 घंटे अतिरिक्त लें, लेकिन सुबह जल्दी 2 घंटे लोगों के बीच जरूर जाएं। नागदा टाइम्स से चर्चा के दौरान सीएमओ मठसेनिया ने बताया कि शहर के 36 वार्डों के लिए हर 2 वार्ड पर एक टीम गठित की जाएगी। प्रत्येक टीम में 1 अधिकारी और 2 कर्मचारी रहेंगे। सुबह 7 बजे इन्हें अपने वार्ड में पहुंचना होगा। 9 बजे तक टीम वार्ड में रहकर सफाई, पानी सहित नगर पालिका कर्मचारियों के काम की मॉनिटरिंग करेगी, साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी समस्या पूछेगी। समस्या सामने आने पर टीम सीएमओ के सामने समस्या को पेश करेगी, इसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। सीएमओ ने बताया 36 वार्डों में कई ऐसी गलियां हैं जहां नगर पालिका का कचरा वाहन जाना संभव नहीं। ऐसी सक्रिय गलियों के चिन्हित कर हाथ गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। सफाई कर्मी वार्डों में हाथ गाड़ी से कचरा संग्रहण करेंगे, साथ ही कचरा गाड़ियों को देखेंगे कि वह डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष है ना स्वच्छ भारत सर्वेक्षण को लेकर रैंकिंग होती है, तो पिछले क्या है कि केवल ये वित्तीय वर्ष में एक बार होती थी, लेकिन इस बार ऐसा किया है भारत शासन से भी, मध्य प्रदेश शासन से भी, कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है तो ये 3-3 मास का इसमें पीरियड रखा गया है। तो 3-3 मास का है ना इसमें वेरीफिकेशन किया जाएगा, उसके हिसाब से रैंकिंग तैयार की जाएगी और अंतिम रैंकिंग में इन 3-3 मास के जो रैंक आएगी, जो मार्क्स आएंगे, उसको जो फाइनल रिजल्ट बनेगा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में रैंक प्राप्त करने के लिए, तो उसमें उसको जोड़ा जाएगा। तो इसको स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 को 2020 को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने दो वार्डों को मिलाकर एक टीम बनाई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 36 वार्ड है, तो 36 वार्ड में 18 टीमें बनाई है, जिसमें एक अधिकारी, एक उसके अंडर में अधीनस्थ और एक मॉनिटरिंग अधिकारी। इस तरीके से 2 वार्ड में 3 अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो कि नगर पालिका के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण को सफल बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा प्रदान की जा रही समस्त प्रकार की योजनाओं, समस्त प्रकार की समस्याओं का अवगत कराएंगे मुझे और हम उसका निराकरण करेंगे, तो जिससे कि नगर पालिका अपनी गंभीरता दिखाते हुए समस्याओं को हल कर पाएगी। इस वजह से 36 वार्डों के लिए कितनी पार्टियाँ तैयार की गई है और इसमें प्रत्येक में क्या क्या किसका क्या काम रहेगा उसमें? हमारे यहाँ जैसा कि 36 वार्ड है, तो 36 वार्ड में हम लोगों ने 2 वार्ड की एक पार्टी बनाई है, तो 18 पार्टियाँ हैं। तो इन पार्टियों का काम ये रहेगा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है क्या, ऐसा तो नहीं कोई घर छूट रहा हो या फिर नगर पालिका की गाड़ी वहाँ पर ठहरती नहीं हो, सीधे स्पीड में लेके भगा के ले गया फॉर्मेलिटी के लिए। तो कोई औपचारिक तौर पर तो मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कचरा न लिया जा रहा हो किसी डोर पर, किसी घर किसी हितग्राही का छूट तो नहीं रहा, ये देखा जाएगा। साथ ही ये देखा जाएगा कि कचरा जो दिया जा रहा है गाड़ी में, तो गाड़ी में 2 पार्टीशन रहेंगे, एक तो गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। तो हितग्राही से भी हमारा ये प्रयास रहेगा तो उनको कन्वेंस करके कि उनसे अलग अलग कचरा लिया जाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, गाड़ी में भी अलग अलग ही डाला जाए। तो ये हमारी टीम वहाँ पर धरातल पर करेंगे। सर, जैसे कुछ लोगों को अधिकांश कहीं जैसे कहीं ऐसी गलियां शहर की जहाँ पार्टियां नहीं जा सकती या कोई ऐसी गलियां चूक भी जाती, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान या उसके लिए कोई समस्या कि लोग अपनी समस्या अधिकारी या कर्मचारी को बता सके या कोई ऐसा कोई योजना बनाई जा रही है इसके साथ? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि हर शहर में कुछ ऐसे गलियाँ होती हैं, ऐसी कुछ बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे कि बड़ी आकार की गाड़ी नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे हम हाथ ठेला या फिर छोटी गाड़ी, इस तरह से हम प्रत्येक डोर टू डोर है ना कचरे का कलेक्शन करेंगे, छोटी गाड़ियाँ चलाएंगे। सर, इसमें कोई कर्मचारी कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? कर्मचारी यदि कोताही बरतता है, वो टाइम से नहीं जाता है या फिर वो अनुपस्थित रहता है या फिर सफाई मेट उसके प्रति गंभीर नहीं है उस पर कार्रवाई के लिए, तो हमारी जो टीमें घूमेंगी
और जो लापरवाह पाया जाएगा तो पहले तो उसको नोटिस जारी करेंगे सुधरने के लिए कि आप सुधरिए, ठीक है ना। और नगर पालिका का जो आपका दायित्व है उसको पूरा करिए, अगर वो फिर भी नहीं सुधरते हैं तो उन पर उनको बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है।